नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये वीडियो है दशहरे वाले दिन की, शनिवार की। थोड़ा लेट होगी मैं डालने में। और यहाँ पे देखिए, दशहरे को मैं रामपुर गई थी मायके अपने, जैसा कि आपको पता। और बस सुबह का काम हमारा हो गया। हमने दोपहर के टाइम मनाया था दशहरा, क्योंकि सुबह ही कह रहे थे कि नवमी है, दोपहर तक लगेगी दशमी, तो फिर दोपहर को ही मनाया था। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं तिलक कर रही हूँ ओम को। और ओम तो काफ़ी देर से कह रहा था, बुआ जी मेरा टिक्का कर दो, मेरे नोरते रख दो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्योंकि ये घर का सबसे छोटा सदस्य है, और यहाँ पे मैं इससे ही शुरुआत कर रही। और यहाँ पे देखिए, इसको तिलक कर दिया मैंने। सबसे पहले नोरते रख दिए और फिर मैंने इसको मिठाई खिलाई, तो इसने भी मुझे मिठाई खिलाई। और बहुत अच्छा लगता है, देखिए बच्चे भी ये सब कुछ सीखते हैं, करते हैं, तो देखिए प्यार अच्छा लगता है, मतलब बच्चों का प्यार देख के ये सब। तो यहाँ पे ओम को कर दिया है मैंने तिलक। अब उसके बाद बारी आ गई है शिवाय की। अब शिवाय है उससे बड़ा, तो यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ शिवाय को। और मम्मी बैठी है यहीं पे ही, चाची जी भी आई हुई है इधर ही। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे आप बोल रहे थे कि क्यों करते हो तिलक, तो करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी वीडियो में क्यों, मतलब क्यों त्यौहार मनाते हो आप पूछते हो ना, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए जी, ऐसे ही मैंने सबसे पहले तिलक कर दिया, फिर नोरते रख दिए और फिर मिठाई खिला दी। और यहाँ पे भाई मेरा छोटे वाला है यहीं पे ही, तो वो फोटो खींच रहा था। और बस ये है देखो जी, मन में इतना दुख है बहुत ज़्यादा, लेकिन त्योहार भी करने होते हैं, क्योंकि पापा जी के बिना अगर कुछ कर भी रहे तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि घर में बिल्कुल भी हमारा मन नहीं लग रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान ने जैसा रखा ऐसे ही रहेंगे। और अब देखे भाई आ गया है यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, मेरा भाई हमारी इतनी केयर करता है, बहुत ज़्यादा करता है। मतलब वो कोशिश कर रहा है पापा जी के बाद कि मैं अपनी बहनों को, अपनी मम्मी को बिल्कुल भी ऐसा ना लगने दूँ कि पापा जी नहीं हैं। इतना छोटा होते हुए भी हमारे में सबसे छोटा है, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा करता है। और इसकी वजह से ही आपके, मम्मी तो है ही चलो बीमार है, लेकिन हमें अपने भाई की वजह से भी हम बहुत स्ट्रोंग बन कर रहते हैं कि उसके सामने परेशान ना हो। लेकिन फिर भी देखो, ऐसे टाइम पे याद आई जाती है, याद तो रहती है लेकिन रुका नहीं जाता बिल्कुल भी। और यहाँ पे देखे मैं रोने लगी थी, बहुत देर से अपने आप को संभाल रही थी। परेशान तो मन सुबह से ही हो रहा था कि यहाँ तो आ रहे हैं पापा जी आते। सबसे पहले मैं तो परेशान हो जाते थे सारी चीज के लिए कि कर लो कब करोगी। और बच्चों के साथ बैठ के तो इतना अच्छा लगता था उनको, सिवाय और उनके साथ तो बहुत ज़्यादा उनसे सारी चीज़ करवाते थे। लेकिन वही है भाई, हालात के सामने कुछ नहीं कर सकते, मन इतना परेशान होता है। तो हर भी करने जरूरी है, मन को भी समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह है कि भाई बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे चाची जी आई थी, तो फिर मैं बस, भाई चला गया था गांव में कुछ काम से, बस असल उसने मुझे चुप किया काफी देर तक। वो हमेशा ये कोशिश करता है कि मेरी बहनों को कुछ भी परेशानी ना हो, मम्मी को बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि हाँ इनके पापा नहीं है। ये कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तुम मुझे बताओ, मैं थारी सारी वो पूरी करूंगा। बल्कि वो हमारे से काफी छोटा, और हम कहते हैं भाई तू हमारा करेगा या हम तेरा करेंगे, क्योंकि हम बड़े हैं। कह रहा कि नहीं आप बिल्कुल, बुआ जी हर को भी ऐसे ही कहता है कि बुआ जी ये मत समझो कि पापा जी चले गए, तुम्हारा भाई नहीं है और मैं हूँ, जो भी आपको लगे आप मुझे कहो। तो ये बहुत बड़ी बात है, और करता है वो,
मैं इस बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी कि मेरा भाई छोटे वाला हमारी इतनी करता है, बहुत ज्यादा, मम्मी की भी बहुत ज्यादा केयर करता है, और उसकी वजह से हम अपने आप को बिल्कुल स्ट्रोंग रखते हैं। मगर ये पर हम अगर ऐसा करेंगे तो ये और ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि वो हम तो देखो सब अपनी फैमिली में मिले हुए हैं, सब है, एक दूसरे से बात भी कर लेते हैं, वो किससे करता है, किसी से भी नहीं, बस घुटा रहता है और हमारे सामने कोशिश करता है कि मैं बिल्कुल ठीक रहूं, मतलब हमारे सामने बिल्कुल भी ना रोता ना वो करता, और हमें जैसा पता लगता है कि इधर उधर जाकर ना वो काफी रोता है और परेशान भी होता है बहुत ज्यादा। लेकिन हम उसको भी समझाते हैं, मन का भाई तू परेशान ना हो, जो होना था हो गया, पापा जी का इतना ही था हमारे साथ साथ, और मन का अब तुझे ही संभालना सब कुछ, तू ऐसा करेगा तो हम किसके साथ हैं। हम भी उसको बहुत समझाते हैं और कहते हैं ऐसे ही, बस एक दूसरे को समझा के बात करके तभी हमारा काम चलेगा। तो यहाँ पे देखिए चाची जी आई हुई थी, और बस फिर हम खाने लगे थे खाना, क्योंकि खाना मैंने हमने क्या किसी ने भी सुबह से नहीं खाया था, मुझे नौरते रखने थे ना इस वजह से। और फिर आज हमारे यहाँ दशहरे पे बनते हैं रायता चावल, तो मैं खा रही हूँ रायता चावल और दाल भी बनी हुई, दाल चावल रायता लौकी का, यही बनता है दशहरे पे। और मम्मी भी अभी खा रही, बस किसी ने भी नहीं खाया था ना, मन था किसी का खाने का, बल्कि एक ही बज गया होगा, तो अभी बस सब खाना खा रहे। चाची जी भी आई थी तो फिर भाभी जी कहने लगी कि आप भी खा लो, तो यहाँ पे भाभी हम सबको दे रही है खाना और बस हम खा रहे हैं। और हाँ, सब लोग पूछ रहे थे कि इतनी जल्दी त्योहार क्यों मना रहे हैं, ऐसा नहीं मनाते, तो आपको बता दूं जी, देखो सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी जैसा कोई चला जाता है, जैसे मेरे पापा जी अब चले गए हैं, तो उनके बाद जो त्योहार आते हैं पहले में बहुत जरूरी होते हैं मनाने, मतलब इतने ज्यादा उससे तो मनाए नहीं जाते, लेकिन मनाए जाते हैं। अगर नहीं मनाते तो हमारे यहाँ बोलते हैं फिर आन हो जाती है, फिर वे कभी नहीं मनाए जाते। तो इस वजह से ये त्योहार हमारे यहाँ जो पापा जी के बाद के पहले त्योहार आएंगे वे सारे ही मनाए जाएंगे, आगे भी दीपावली वगैरह भी, चाहे ज्यादा मतलब ये नहीं करेंगे बहुत ज्यादा धूमधाम से, लेकिन मनाए जाते हैं। इसीलिए मैं वहां पे गई हूँ दशहरे पे, दशहरा मनाने के लिए, क्योंकि मैं आऊंगी तभी वहां बनेगा, मतलब लड़की कोई भी, बुआ जी अर भी नहीं आई थी, उनका टाइम नहीं लगा, मम्मी ने वैसे सबको बोला था। और क्या नाम, फिर मैं गई, और यहाँ पे फिर अगर ना होगा ना तो फिर ये होता है कि कभी नहीं होता फिर वो त्योहार, इस वजह से। तो हमारे इधर रीति रिवाज है, देखो जिस तरह जिधर है वो इसी तरीके से करता है, जो नवरात्रे थे वो भी इसी लिए मनाए, और आगे भी जो त्योहार आएंगे वो मनाए जाएंगे। और यहाँ पे मम्मी भी बोल रही थी कि सारे ही करने हैं इस बार, वरना तो फिर आन हो जाती है। तो यहाँ पे बस देखे सब ने खाना खुना खा लिया, फिर मैंने मम्मी के सर में की है मालिश, पता नहीं मम्मी के ना सर में खुरंड से बंध रहे जगह जगह, और फिर मैंने मालिश की, खुश्की सी हो रही थी काफी। और फिर उनके बाद बाल बुल बाए, यहाँ पे चाची और भाभी भी पड़ी है, वे भी बात तो ये भी चल रही है हमारी सबकी। और यहाँ पे बस मैंने देखे मम्मी की चोटी बना दी, फिर मैंने मम्मी की थी टांगों की मालिश, क्योंकि उनकी टांगों में बहुत दर्द रहता है शायद कमजोरी की वजह से। फ्रेंड्स इधर तो मैंने रख दिए थे सबके नौरते, अब जा रही हूँ मैं उधर चाचा जी की तरफ, क्योंकि चाचा जी अभी आए हैं गांव में से। चाची जी आई हुई थी इधर, तो मैं बोल कर गई थी कि आ जाना थे चाचा जी आएंगे, तो अभी फ़ोन आया उनका कि आ रहे आ जा, फिर मैं अब जाऊँगी चाचा जी को नौरते धरने के लिए, तो उधर ही जा रही हूँ मैं। मम्मी हर यही है और बस मैं जा रही हूँ सिवाय के साथ। और ये है बड़े वाला भाई, ये शाम के टाइम आया था, रात ही होने वाली थी, तो यहाँ पे बस फिर मैंने इसको भी टिक्का कर दिया है, और इसके बाद गुड्डू भी आ गई थी, गुड्डू करेगी शिवाय और ओम को। तो फ्रेंड्स अब हो गया है देखिए शाम का टाइम, शाम के 6:30 बज चुके हैं, और गुड्डू और इसके पापा भी आ गए गांव से, और ये गए थे मम्मी को लेने के लिए, लेकिन इनका शायद पता नहीं क्या प्रोग्राम बना हुआ तो मम्मी आई नहीं। बाकी जब यहाँ से गए तो लेके आने का पूरा पूरा प्रोग्राम था, मैं यही बताएंगे कि क्यों नहीं आई। इसके पापा गए हुए अपने मामा जी के यहाँ पे, काफ़ी देर के आ गए थे, 1 घंटा हो गया। और अभी गुड्डू ने शिवाय को तो नोट पे रख दिए,
अब रखेगी ओम के, क्योंकि ओम था नहीं यार, ओम गया हुआ था चाची जी के साथ। ओम रखवाले और इधर खाना बनना शुरू हो गया। खाना बन रहा है शाम का, और आज खाने में भाभी बना रही है अरबी की सब्जी। और वैसा तो मेरा था मका चल मैं बना दूंगी, लेकिन फिर मेरा मन ये हुआ मका अपनी बनाई हुई तो मैं रोज खाऊं, दूसरे के हाथ की ज़्यादा अच्छी लगे, तो फिर मैंने इसलिए भाभी को ही कह दिया मका सब्जी छोड़ दो आप। और यहाँ पे बस देखे भाभी अरबी की सब्जी बना रही, और मम्मी भी बैठी है बाहरी, अभी बैठे हम थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि मैं कर रही थी प्रयास अंदर ही बैठ कर, आज सारा दिन निकल गया हमारा। चाची भी नू कह रही आज तो तुम बाहर बैठे ही नहीं, आज अंदर ही क्यों मैं प्रयास करने लगी। तो बैठी थी मैं थोड़ी देर बाद तो हो जा रही थी, यहाँ पर ने चूल्हा जला दिया फिर अंदर बैठी, हाँ धुआं हो गया था। और फिर मैं प्रेस इसलिए इनके लारे तो हो भी गई, इतनी देर बैठो बैठो केले पर प्रेस नहीं होती, फिर मेरा केले का जी नहीं लगा था। हाँ मम्मी ने करा था मेरे पास फोन उधर, फिर मैं चाचा जी के पास बैठी थी, चाचा जी बैठे थे। और जी बस अब गुड्डू रख दे इसके नोर पे ओम के, सिवाय का तो रख दिया उसने इसका तो मुंह भी नहीं फिर रहा वरना देखो हनुमान जी उधर को कल ऐसी आ रही है, ऐसी आवेगी तो मुंह खराब हो जाएगा, बैलेंस नहीं बनने का। तो यहाँ गुड्डू ने रख दिया नोर पे, उसने अपनी रील बना ली रखते हुए, और बस अब बनाएंगे खाना खाएंगे। तो अब देखे शाम का टाइम है, भाभी सब्जी बनाने लग दी। यहाँ पे थे हो रहे थे काफी सारे बर्तन, चाय वगैरह का भी थे ये सारे, और फिर दूध दाद जैसा निकालते हैं काफी बर्तन हो जाते हैं। और यहाँ पे बस फिर मैंने सोचा चलो मैं ये बर्तन कर दूँ, अंदर सिंक में नहीं हो पाते, वहाँ थोड़े होते तो हो जाते हैं, क्योंकि वो टंकी ना बहुत कम चलती है धीरे धीरे, तो वहाँ पे आलस आता है करते हुए। तो फिर मैं सारे यहीं पे ले आई थी बर्तन उठा के, मैं कहा चलो यहाँ पे जल्दी भी हो जाएंगे बैठ के आराम से हो जाएंगे, और यहाँ पे पानी सही होता है क्योंकि कम पानी में ना फिर बर्तन धुलते नहीं ये होता है। तो यहाँ पे फटाफट से बस मैंने बर्तन सारे मांज दिए और फिर धो के रख दूंगी, क्योंकि खाना खाएंगे फिर बर्तन सारे हो रहे थे। भाभी ना भी कर रही थी कि रहने दो मैं कर लूंगी, और जैसा मैं आपको बताती हूँ कि हम कभी भी ऐसा नहीं पढ़ते जाके कि हाँ पढ़े यार पढ़ के खा लिया वहाँ पे, क्योंकि हमें भी लगता है कि नहीं हमें कराना चाहिए, और हम कराते भी हैं। और कभी भी हम जितना भी हमारे से बनता है हम कोशिश करती, मैं तो कोशिश ही करती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सके हेल्प करवाऊँ। वैसा तो सब जगह जाके ही ये होता है, देखो आप गांव में मैं जाती हूँ गांव में भी मैं करवाती हूँ, अगर मेरी तबीयत ना ठीक हो तो फिर तो अलग बात होती है, लेकिन जब तबीयत ठीक है हमारी और हम कर सकते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प करवाऊँ। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन बस धुल दूंगी बर्तन, और भाभी बनाने लग रही है खाना। खाना असल में हो गया था सिलेंडर ख़त्म, तो चूल्हे पे ही बनना था, तो मैं अपना बना रही है। सब्जी वगैरह कट हो गई थी तो वो छोक देंगी, और उसके बाद फिर आटा मैंने बना दिया था, मैं कहा चलो मैं बना देती हूँ क्योंकि फिर ये है दोनों मिलकर कर लेंगे। फिर भाभी ने पूजा पाठ भी की थी अपना, दिया बत्ती करा था, तो तब तक आटा वगैरह मैंने लगा दिया। और अब यहाँ पे देखिए बस रोटी सेकनी शुरू कर दी है, और यहाँ पे बस भाभी सेक रही है रोटी और मैं बेल रही हूँ मका जिससे जल्दी बन जाए। और मैं अपनी बताऊँ आपको, वैसे मैं चूल्हे पे सारा काम कर लेती हूँ, सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, सारी चीज़ करती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है रोटी सेकने में, तो इसलिए मेरे से सीखती नहीं। तो यहाँ पे फिर मैं बेल के दे रही और भाभी सेक रही, भाभी सेक लेती है रोटी, मेरे से नहीं सीखती। इंदु भी सेक लेती है, सभी सेक लेते हैं हमारे घर में, लेकिन मेरे से सीख तो जाती है लेकिन इतनी अच्छे से नहीं बनती। तो फिर बस मैं ऐसे साथ में करवा के कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए बस फटाफट, और गुड्डू को बोल दिया मैं कहा बेटा खाना खा लो, बल्कि इसके पापा नीचे ही बैठे थे, भाई भी नीचे ही, ताऊ जी थे नीचे, ताऊ जी के पास बैठे थे, तो यहाँ पे मम्मी थी, तो फिर मैंने इसको बोला मैं कहा बेटे अपनी नानी जी को दे दे गरम गरम, एक आध रोटी में खा लेंगी जो भी खाएंगी, क्योंकि फिर ठंडी उनसे खाई नहीं जाती। और यहाँ पे बस गुड्डू ने दे दिया नानी जी को खाना, फिर शिवाय को भी दे दिया उसने, और फिर मैं कहा चल तू भी खा ले, वो भी कह रही थी कि मम्मी भूख लग रही है क्योंकि दोपहर में खाया होगा, फिर चाय वगैरह भी इन्होंने कुछ नहीं पीती आके, और गुड्डू तो वैसे भी नहीं पीती,
इसके पापा ने अभी नहीं पी थी, ये लेट ही आए थे गांव में से, और मम्मी नहीं आई इनके साथ गांव से। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी अगली कि क्यों नहीं आई मैं। तो यहाँ पे देखिए, बस खाना हो गया था, फिर ये भी आ गए थे वैसे भाई और इसके पापा, तो फिर उन्होंने भी खा लिया था। और बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।